नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भिंडी के पानी के बारे में, किस प्रकार डायबिटीज यानी मधुमेह और कोलेस्ट्रॉल व हृदय रोग को जड़ से खत्म कर देता है भिंडी का पानी दोस्तों। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भिंडी का इस्तेमाल तो आप सभी करते हो, लेकिन कुछ लोगों की तो पहली पसंद भी है भिंडी से बनी सब्जी। भिंडी हमारी सेहत के लिए बहुत उपयोगी है, यह कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने का काम करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको भिंडी के ऐसे उपयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे करने से आप मधुमेह यानी कि डायबिटीज की समस्या से मुक्ति पा सकते हो। शुगर, जिसे मधुमेह या फिर डायबिटीज कहा जाता है, यह समस्या भारत में सबसे अधिक हो रही है और इससे बचने के लिए भी तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि भिंडी के प्रयोग से भी आप इस समस्या से आसानी से निजात पा सकते हैं और ये उपाय ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कैसे करना है हमें भिंडी का उपयोग शुगर दूर करने के लिए। आपको केवल दो भिंडी लेनी है। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वे रात के समय दो भिंडी लें और उन्हें काट लें। अब आप इन्हें एक गिलास पानी में भरकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह इस पानी को अपने खाली पेट पी लेना है। इस उपाय को आपको लगभग 2 से 3 महीने नियमित करना है। ऐसा करने से शुगर का स्तर नियंत्रित हो जाएगा। ये कारगर आयुर्वेदिक उपचार है दोस्तों, लेकिन इस बात का भी ध्यान आप जरूर रखें कि आपको अपनी शुगर की दवाओं को खाना छोड़ना नहीं है, वह भी खाते रहें। किडनी से संबंधित कई रोग होते हैं, ऐसे में यदि आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपकी किडनी के रोग और समस्याएँ भी दूर हो जाएंगी दोस्तों। ये नुस्खा आपकी आँखों के लिए बहुत फायदेमंद है। आपकी आँखों की कमजोरी को दूर करने का काम करता है ये नुस्खा, क्योंकि भिंडी में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों ये थी आज की भिंडी के बारे में जानकारी। आगे भी हम आपके लिए ऐसी आयुर्वेदिक जानकारी लाएंगे तब आप और साझा करेंगे आपके साथ नई नई जानकारी, हेल्थ स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।